sound is half of the experience, and many would argue that it's more important than the visuals. I still believe in the fact that gandhi video log dekh sakte, it can be okay, but gandhi audio nahi sun sakte. Ek cheez ka dhyan rakhna, awaaz bahut important hai. Video ki quality thodi bahut plus minus ho bhi jaye, voice quality bahut zaruri hai, kyunki aapka jo baat hai, aapka jo experience hai, wo voice ke sath hai. आप अगर अभी YouTube पे जाके सर्च करोगे हाउ टू मेक अ YouTube वीडियो या फिर इम्पोर्टेंट थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर अ YouTube वीडियो, एक चीज़ है जो हर बंदा बोलेगा और उसके हर वीडियो में कॉमन होगी, और वो है योर वॉइस मैटर अलॉट। और एक अच्छी वॉइस के लिए आपके पास होना चाहिए एक अच्छा माइक। तो आज हम 5 माइक्रोफोन्स लेके आए आपके लिए, और ये है एक बजट माइक्रोफोन किट। 5 सबसे अच्छे माइक्रोफोन के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ एक माइक्रोफोन को, जो कि है एक बजट माइक्रोफोन। यहाँ पर मेरे पास एक सस्ता माइक्रोफोन है जो कि Amazon पे 1500-2000 रुपए का मिलता है। मैं अपने पहले के YouTube वीडियोस में जो वॉइस रिकॉर्ड करता था वो डायरेक्टली रिकॉर्ड करता था, जो फोन का इनबिल्ट माइक होता है, कुछ एक्सटर्नल माइक वगैरह नहीं लगाता था, इसीलिए बहुत गंदी वॉइस होती थी। और उसके बाद जब इसका इनबिल्ट माइक भी धीरे धीरे खराब होने लग गया तो मैं इस तरह रिकॉर्ड करने लग गया, एक फोन में ऑडियो एक फोन में वीडियो अलग अलग। और ये क्लैपिंग से ये होता है कि जो आप अपनी वॉइस अलग फोन में रिकॉर्ड कर रहे हो और जो आपके वीडियो में वॉइस रिकॉर्ड हो रही है उसको जब आप एडिटिंग में सिंक करते हैं तो वो ईजी हो जाता है और अच्छे से सिंक होता है। जब मैं लोगों से अपने चैनल के लिए कोई रिव्यू लेता था कि मतलब मेरे को क्या चैनल में करना चाहिए, क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिस वजह से मेरे चैनल अच्छा हो, या फिर कोई अपना सजेशन देता था अपनी मन मर्जी से, तो मिला जुला के मोस्टली एक पॉइंट जो था जो सबका कहना था वो है वॉइस और माइक। और जब लोगों ने इतना बोला तो मैंने सोचा एक अच्छा माइक ले ही लेते, क्या पता सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही हो, ये भी ट्राई कर ही लेते। When I used to make like $1 a day, I saved up for months and I bought a microphone way worse than this microphone. अब इस बॉक्स के सारे सामानों में से 3 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, और वो है 2 मेटल क्लिप और एक कनेक्टर। ये कनेक्टर इसलिए होता है कि DSLR कैमरा या फिर जो आपके पास अलग से कोई कैमरा यूज़ करते हैं फ़ोन के अलावा तो उसमें यही यूज़ होता है, ये उसमें 3 पिन वाले यूज़ नहीं हो पाते, इसीलिए तो ये भी आपको फ्री भी कह सकते हैं, वो भी मिल जाता है। और एक माइक, ये क्लिप ऑन ओमनी डायरेक्शनल लावेलियर माइक्रोफोन है। इसका मतलब ये होता है कि जो इसमें वॉइस रिकॉर्ड होती है वो चारों तरफ की वॉइस रिकॉर्ड होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइज आ रहा होगा तो वो भी ये रिकॉर्ड कर लेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक ही तरफ से बोल रहे हो तो ये सिर्फ आपकी रिकॉर्ड करे, ये चारों तरफ की आवाज रिकॉर्ड कर सकते। और ये कोई अच्छी बात नहीं है, पर ठीक है, आप इतने में इतना ही मिलता है। एक और चीज, ये जो माइक है ये माओनो ब्रांड का है, मतलब किसी ब्रांड का है, तो इसके अंदर 1 साल की आपको वारंटी भी मिलती है, मतलब अगर इसको कुछ दिक्कत होती है 1 साल के अंदर तो आपको एक्सचेंज भी हो सकता है या फिर ठीक कर देंगे, जो बाकी लोकल्स में नहीं मिलता, और ये मेरे को सबसे अच्छी चीज लगती है। अब इस माइक के बारे में मेरे को बहुत पहले से पता था, पर तब मेरा मन नहीं था लेने का, बस मेरे को पता था। पर जब मेरा इसका मन हुआ था लेने का तो इसका प्राइस इतना ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था दोनों पर, Amazon और Flipkart पर, कि मतलब जब भी मैं लेने जाता था तो इसका प्राइस हाई हो जाता था। मतलब जो प्राइस मैंने देखा था इसके, जो नॉर्मल होते हैं 300-400 के बीच में, वो 600 में मिल रहे थे और 1000 में मिल रहे थे, मतलब जब भी जाओ तभी हाई हो जाता। अब मैंने सोच लिया था इस महीने कि मेरे को ये लेना ही है, और वो भी सस्ते में लेना है, सुबह हो रात हो शाम हो हमेशा इसका प्राइस चेक करता रहता था, और एक दिन ले ही लिया, मिल गया। बस हो गया, जाओ